राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहा है, भारत के संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रहा है। यहीं से हवा देश भर में फैलेगा और नरेंद्र मोदी, अमित और आरएसएस का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। छापा छापा मारते रहता, छापा मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है। आज देश संकट से गुजर रहा है। जो संकट का बादल हमारे मरहूम नेताओं के पहले था जीवन के, वो जीवन वो समय आज भी मंडरा रहा है देश में। देश में सांप्रदायिक ताकतें आँख फाड़ के खड़ी है और राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहा है, भारत के संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रहा है। प्रजातंत्र के ऊपर आघात पहुंचा रहा है। इसलिए हम लोग विभिन्न दलों में, मतों में बटे हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं और गठबंधन इंडिया, आपको मालूम है कि पटना से ही, पटना के ऐतिहासिक जगह से यहीं पर बैठक करके और कर्नाटका से लेकर के मुंबई, सब जगह देश के 23 दलों के लोगों ने मीटिंग किया है और इकट्ठे हुए हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा। नेता हम लोग चुन लेंगे आसानी से, उसमें कहीं कोई कठिनाई या दिक्कत नहीं होगी। पटना के ऐतिहासिक जमीन में, गांधी मैदान में भारी रैली हम लोग करने वाले हैं। भारी रैली, भाजपा हटाओ देश बचाओ। यहीं से हवा देश भर में फैलेगा और नरेंद्र मोदी, अमित और आरएसएस का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये जा रहे हैं। इसलिए छटपटाहट, काफ़ी छटपटाहट है लोगों के बीच में। छापा छापा मारते रहता, छापा मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है और इनको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हाथ से सब निकल रहा है।